आप सबको नमस्कार है। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज गौ अष्टमी है। आज माता की, गाय माता की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी खड़े होके गाय को स्नान कराएं। माता गाय माँ के तिलक लगा के मेहंदी लगाएं, रोड़ी छड़ाएं और गाय माँ को वस्त्र उड़ाएं। दो रोटी का ये तो चूरमा बना लें, चूरमा खिला दें, ये गुड़ खिला दें, ये दो रोटी एक गुड़ की काकरी गाय माता को खिला दें और उनकी वस्त्र पहनाएं। गाय माता की कहानी सुने। आज की बहुत पहले से परंपरा गाय माँ की चलती आ रही है, तो इसकी कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान 6 वर्ष के थे, तब उसके बलदाऊ भैया, आसपास के खूब सारे बच्चे गाय चराने जाते। कृष्ण भगवान कहता है कि माँ, मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। जसोदा माँ कहती है कि लाला, तू अभी बहुत छोटा है, अभी बच्चा है। कृष्ण भगवान कहता है, नहीं माँ, मैं छोटा नहीं हूँ। माँ कहती है, बेटा तो नहीं मानता, तो ये छोटे छोटे बछड़े हैं, इनको चरा ला। कृष्ण भगवान कहता है, नहीं माँ, मैं अब बड़ा हो गया, मैं अब छोटा नहीं हूँ, मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, मैं गायों को चराऊंगा। तब जसोदा माँ कहती है कि जा तेरे बाबा से पूछ ले। कृष्ण जी बाबा के पास जाता है, बाबा से कहता है, बाबा मैं गाय चराने जाऊंगा। तब बाबा कहता है कि जा पंडित जी को बुला ला। गौ अष्टमी का, गौ चरण का मुहूर्त करवाते हैं। कृष्ण भगवान पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपको मेरा बाबा घर पे बुला रहे हैं, गौ चरण का मुहूर्त करवाना है, और हाँ आज ही का मुहूर्त निकालना, मैं आपको खूब सारा मक्खन दिया करूंगा। जब पंडित जी आते हैं, आकर गौ चरण का मुहूर्त निकालने को, नंद बाबा कहते हैं, वो देखते हैं निकालने के, मुहूर्त निकालने के लिए तो बार बार में गिनती कर रहे थे। नंद बाबा बोले, करे पंडित जी क्या बात है। पंडित जी कहते हैं कि नंद बाबा, ये मुहूर्त तो आज का ही निकल रहा है, नहीं तो फिर साल भर बाद में इसी दिन का निकलेगा। तो साल भर बाद में निकलेगा तो आज ही का निकलवा लेते हैं। पंडित जी महाराज ने गौ चरण का मुहूर्त आज का ही निकाल दिया। गाय माता का खूब श्रृंगार किया। उसी दिन से गाय माता की पूजा करने लग गए। सबने, ग्वाल बालों ने सबने गाय माता की पूजा की। तभी से गाय माता की पूजा करने लग गए हैं। माँ जसोदा अपने लाला का खूब ही श्रृंगार कर रही थी। तब सुंदर जूतियां पहनाने लगी। कृष्ण भगवान बोला, माँ मैं जूतियां नहीं पहनूंगा। माँ बोली, करे बेटा जंगल में डोलेगा, कहीं कांटे चुभ जाएंगे। कृष्ण भगवान कहता है कि नहीं माँ, मेरी गाय गाय जूतियां नहीं पहनती, तो मैं कैसे पहनूंगा। अगर आपको पहनानी है तो पहले जूतियां मेरी गायों को पहनाओ, उसके बाद में मैं पहनूंगा। इस प्रकार से भगवान को गाय बहुत ही प्यारी है, और ये गाय माँ नहीं है, ये अपनी सबकी माँ है। और गाय माता की परिक्रमा लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, इनके चरणों की धूली का तिलक लगाते हैं, उसकी तकदीर संवर जाती हैं।
तो गाय माता में सब भगवान का रूप है, ये सबकी जग जननी माँ है, गाय माता है। तो भगवान की और गाय माता की तो कोई वर्णन का अंत ही नहीं है इनकी लीलाओं का। तो बोलो गाय माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय।